हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद शोभी जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं वो शो जहां आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, और हम लेकर आ गए आपके लिए एपिसोड नंबर 8। जी नमस्कार, हमें बंटी चौबे, हम लेकर आ गए आपके लिए चौबे टीवी। तो हम आज जिस प्रजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी चर्चा पूरे विश्व में है, उनको कहते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। इस प्रजाति का सबसे प्रथम धर्म है पढ़ाई करना और उसके बाद थ्योरी बनाना। थ्योरी बनाते बनाते इतना लोड ले लेते हैं ये लोग कि वही लोड ये लोग बच्चा लोग पे दे देता है। नया नया थ्योरी हम लोग भी सीखे हैं, आप भी सीखे हैं, और वही थ्योरी फिर 100 साल बाद इन लोग का गलत हो जाता है। बहुत विचित्र प्रजाति है वैज्ञानिक लोग का। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। ये जो प्रजाति है ये लोग बहुत अजीबोगरीब काम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहला बात की डीएनए अल्टरेशन आप लोग सुने होंगे, हमको इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन सीजन 1 में वो वीडियो जरूर बनाए थे, देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो चमगादड़ मानुस और स्पाइडर मान, आप जानते हैं डीएनए अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन क्या होता है। Oh my God. Jesus. That's a fucking baby soup. हमारी रिपोर्ट के अनुसार अभी वैज्ञानिक लोग नकली गर्भाशय भी बना रहा है, उसमें से कौन कौन निकलेगा, कैसा कैसा निकल चुका है आप देख लीजिए। वैज्ञानिक लोग का प्रजाति सबसे ज्यादा नासा कंपनी में पाया जाता है, इतना थोक का भाव में है ये लोग, फिर भी नासा वाला सब इंडिया से वैज्ञानिक चोरी करके ले जाता है, हमारे रिपोर्ट में लिख लीजिए ये बात। और आगे ये बात भी है कि इतना थोक का भाव में पैसा उड़ाता है स्पेस शिप में, यहाँ इंडिया में बहुजाई लोग पूरी छानते छानते स्पेस उड़ा देती है सब। This is some sort of a joke? No, it is not a joke. It's a puri. Gas is off. पूरी जोन तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। तेल थोड़ा ठंडा हुआ फिर से गैस ऑन कर, बहुत गैस बचाते हैं, सारे हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। ये वैज्ञानिक लोग हेवी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप लेता है सब, इतना हेवी है कि देख लीजिए नंबर आकाश छू रहा है, नासा वालों का भी इसरो वालों का भी। लेकिन इन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतनू सा है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अभी साइंटिस्ट बंधु लोग को हम विचित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग इतना इतना पैसा लेता है सरकार से, हमारा भी पैसा जाता है टैक्स में, लेकिन ये लोग इलाज बनाता है 100-100 साल बाद। कैंसर एड्स चला आ रहा है बहुत पहले से, लेकिन ये लोग अब इलाज बनाया, इलाज का बनाया है। आप जाइएगा इलाज करवाने तो पैसा का दाम सुन लीजिएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा वहीं पे। सोचिए कि इससे अच्छा कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, लेकिन ये बीमारी सब ना पाले। और सबसे बढ़िया बात है साइंस पे भरोसा ना पाले। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो ये था हमारा रिपोर्ट आज वैज्ञानिक लोग के ऊपर। ये लोग बहुत विचित्र है, हमको बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से अब जा रहे हैं मार्स, लेकिन उससे पहले बंटी चौबे जो साइंटिस्ट भी रहे हैं बता देते हैं हम कि बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, धरती के अंदर ढूंढिए, नीचे जाइए, थोड़ा अंदर घुसिए। खैर, हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ हम बंटी चौबे ग्राम बक्सर अभी के लिए अभी चलते हैं मार्स, फिर मिलेंगे। केने गया स्विच। तो आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। व्हाई डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन व्हिच जनरली नो वन टॉक्स अबाउट, दे टॉक अबाउट डेवलपमेंट, दे टॉक अबाउट ये होगा वो होगा चमत्कार होगा,
लेकिन no one talks about the end result or the consequences और क्या-क्या हो सकता है developments. Today we will be talking about that. तो आज हम जी रहे हैं 2023 में. 2023 we have the most number of people on earth. We are in millions. मतलब हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, धरती पे फैल चुके हैं पूरा. और पहले हजारों साल पहले कुछ कम लोग थे. डेवलपमेंट आज भी है, अभी भी हो रहा है, और पहले भी था या नहीं था पहले वो देख लेते हैं. वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग कि हिस्ट्री में कितना डेवलपमेंट था, आज कितना है, एंड देन वी विल डिसाइड कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज हैज एन आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन. तो अभी तक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है मून लैंडिंग या फिर मार्स लैंडिंग. रोबोट फेंक दिए वहां पे, सो वी हैव दैट अचीवमेंट एज ग्रेटेस्ट वन. पास्ट में हमारे पास ऐसे मशीन्स थे जो कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि साइंटिस्ट को कि कैसे बन रहा था ये. एंड दे हैड एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर्स इन पास्ट ऑल्सो. दे कुड अंडरस्टैंड कि ये कैसे रोटेट हो रहा है, कहाँ किसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अभी भी पंडित जी लोग आपकी शादी उसी हिसाब से करवाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर या फिर पंचांग के हिसाब से. तो ये पास्ट में भी था. और आज का अचीवमेंट ये है कि ये मून तक पहुँच गया, लेकिन ये भी कॉन्स्पिरेसी है अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. It's fake. Have you really thought about what it would take to fake a moon landing? Well, development के parameter के हिसाब से mass landing, moon landing बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ा achievement हो गया. लेकिन 600 साल पहले तक जब लोग बोलते थे कि धरती गोल है, तो उनको गोल कर दिया जाता था, उनको पेल दिया जाता था. खैर, ये चीज वेदों में भी लिखा हुआ है कि धरती गोल है. और आज भी लोग हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं कि धरती गोल है. फ्लैट अर्थ पीपल दे एग्जिस्ट. क्या पता, साइंस का समझ ही नहीं आ रहा, कभी गोल बोलता है कभी फ्लैट बोलता है. कंट्रोल कंट्रोल. वेल, अर्थ फ्लैट है या राउंड है, या हम एक डूम के अंदर रह रहे हैं, या फिर हम एक कछुए के अंदर रह रहे हैं, ये सब तब पता चलेगा पर्सनल लेवल पे जब हम जाएंगे स्पेस में. टूरिज्म स्टार्ट होने वाला है भाई, बेजोस मॉस्क भाई लेके आने वाले हैं. हमारे डेवलपमेंट के चार्ट बहुत कुछ है यार, हमें सब पता चल जाएगा. मेरा ये भी मानना है कि धरती के अंदर भी धरती है. मेरा ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि अर्थ का कोर जो है वो इंडिपेंडेंटली घूमता है. आज के डेवलपमेंट का हिसाब लें तो हमारे पास जेम्स वेब है, हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप जो कि दूसरे अंतरिक्ष के गांव में घुस के वहां का फोटो ले रहे हैं, वहां पे धरती खोज रहे हैं, वहां पे पानी निकाल रहे हैं. पहले ये सब नहीं था, बट वेदों में ये मेंशन है कि विमानस था, उड़ रहे थे वो लोग. तो उड़ उड़ के कहाँ जा रहे थे ये तो नहीं पता है ना भाई. इंटर डिमेंशनल ट्रैवल भी कर सकते थे या फिर टाइम ट्रैवल भी कर सकते थे, ये हमें पता नहीं है. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे अंतरिक्ष का फोटो ले रहे हैं. हम सिर्फ फोटो ले रहे हैं अभी. अच्छा आ, तू भी आ, हाँ, ये ले, फोटो खींचेगा ना, ले, खींच, 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 फोटो खींच. क्या बात है. फोटो लेने से याद आया कि हम फोटो लेने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते. बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, दुबई प्लाजा, चाइना टाउन, हम हर जगह खड़े होते हैं फोटो लेने के लिए. टेक्नोलॉजी है भाई, हमारे पास फोन है, और हाँ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्डिंगें बना रही है. लेकिन पहले का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी खराब था क्या, या कुछ ज्यादा ही एडवांस था? ये कैसे बन गया और इसको बनाया कैसे? अभी भी कॉन्स्पिरेसी है ये, कैसे बना होगा. अब जब हम ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं जो कि इतने हजारों साल से खड़े हैं, टूट ही नहीं रहे, और समझ ही नहीं आ रहा बने कैसे, तो हम इन लोगों को कहते हैं कि ये एलियन बनाए गए, बाहर से आए थे, या फिर हम ही मार्स से आए हैं. Though it's widely believed that Mars in its current state couldn't support complex life, there are various theories to suggest that ancient Mars may have been a much more hospitable, habitable environment, perhaps at one point even more so than Earth was. It's thought that more than 3 billion years ago, the red planet was actually similar to what Earth is now in terms of climate and conditions, with vast lakes and warmer weather patterns. अब हम लोग या हमारे ancestors Mars से आए हैं या आप लोग Venus से आए हैं, इस पे बहुत बड़ा question mark है. Science के पास अभी भी जवाब नहीं है हम लोग कहाँ से आए हैं. वो लोग बोलते हैं बंदर से हैं. What? बंदर से याद आया, aliens. Aliens आज भी spot होते हैं, हर जगह spot होते हैं. लोग खोज रहे हैं aliens को, लेकिन पकड़ा एक भी नहीं जा रहा है, या फिर पकड़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर एलियंस पहले स्पॉट नहीं होते थे, होते थे. इनके पेंटिंग में देख लो, स्पॉट हो रहा है ना. Here's the thing, people come out, something happened that was so intense. Some people thought it was religious, that it was a visitation, but other people saw it as technological, like something descended to an enhancement process
they're able to bring out what seems to be the face of an extraterrestrial. पहले हमारे पास कुछ नहीं था. I mean, मेरा मतलब ये है कि हमारे पास फोन नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था. लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, इनफैक्ट ट्रैवल कर रहे थे, पूरा का पूरा दुनिया घूम गया कोलंबस. इवन कुछ लोग मिलके फेथ और रिलीजन फैला दिए पूरे दुनिया में. इतना टाइम था लोगों के पास. अब डेवलपमेंट ने हमें टाइम ही नहीं दे रखा है. हमारे पास फोन है यार, फिर भी हम लोगों से बात नहीं कर पाते. लेकिन 5G है, 6G है, बहुत सारा सुविधा हो चुका है डेवलपमेंट के नाम पे, है ना? या नहीं है? है या नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनका हर रिपोर्ट गलत कैसे हो जाता है. आई मीन वेदर रिपोर्ट, अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आ रहा है, इनको पता ही नहीं चलता है कभी भी. हाँ, बाहर से कॉमेट आ रहा है 5 साल बाद, वो पता है इनको, लेकिन 2 दिन बाद स्नोफॉल होने वाला है इनको नहीं पता है. इनका एस्टिमेशन हमेशा गलत रहेगा. फिर बोलेंगे कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं. कहाँ है आपका टेक्नोलॉजी? अभी अभी यहीं था किधर गया जी. एंशियंट पास्ट में हम लड़ रहे थे तंत्रों मंत्रों से, पास्ट में हम लड़ रहे थे हाथ पैर मुक्कों से, फिर आगे बीच में बंदूक लेके, फिर कुछ दिन बाद लड़ने लगे तोपों को लेकर. एनीवे, फिर अब हम पहुंच गए न्यूक्लियर वॉर पे. है न्यूक्लियर, फिर भी 1-1 साल तक लड़ाइयां चल रही हैं, 1-1 साल तक. क्यों? डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है क्या? अपने अपने बंदूकें सब दिखा रहे हैं, तोपे दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स दिखा रहे हैं, जेट्स दिखा रहे हैं, ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं. कितना डेवलपमेंट आ गया भाई, कितना डेवलपमेंट आ गया भाई. कोई भी कंट्री तब डेवलप्ड कहा जाता है जब उसका GDP, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अव्वल दर्जे का हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट. खैर, जिस एरा में हम रहते हैं हमें लगता है कि वही बेस्ट है. तो हमें लगता है कि हम अभी मॉडर्न एरा में बेस्ट जी रहे हैं. अभी हमने कंपेयर किया कि एंशियंट टाइम में कैसा रहा होगा. उसका एविडेंस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, वी कैन थिंक कि रीसेट हुआ होगा, सब कुछ डिलीट हो गया होगा, इतना डेवलपमेंट हुआ होगा कि आग लग गया, बाढ़ आ गया, बह गए सबके सब, या फिर न्यूक्लियर बम फट गया होगा, हू नोस. अब जिसका प्रूफ नहीं है उसके बारे में तो हम बात कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, मेडिवल टाइम्स में भी इलेक्ट्रिक कार्स घूम रहे थे रोड पे. टेस्ला भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, लेकिन ये दोनों लोग मर गए या फिर गायब हो गए या फिर पता नहीं क्या हुआ. बल्ब बनाने वाले ने ऐसा फिलामेंट लगाया था जो कि 200-300 साल चल जाए, आपका पैसा खर्चा ना हो. लेकिन बल्ब कंपनीज बैठ के मिल के डिसाइड की कि ऐसा फिलामेंट लगाओ जो कि हर 2 दिन में फ्यूज हो जाए. टेक्नोलॉजी या फिर डेवलपमेंट या फिर कॉन्स्पिरेसी, समझ में नहीं आ रहा ना. खैर, अभी के टाइम में आते हैं. Let's have the biggest of the biggest infrastructure we have, the technology we have, 5G, 6G, और बहुत कुछ. AI आ रहा है जो कि सब कुछ कंट्रोल करने वाला है. Talking about human life expectancy, जो कि पहले बहुत पहले 100-150 साल हुआ करता था, अब 60 में लोग मरे जा रहे हैं. I mean, 30s में they are getting heart attacks. Weird, right? We have epidemics and pandemics, जो 2 साल चल रहे, 3 साल चल रहे, अभी तक चल रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है. So are we really developed? नहीं. साल 1912, दुनिया का सबसे बड़ा शिप. डेवलपमेंट में हम सबसे आगे थे और बना दिए टाइटैनिक और उसकी सिस्टर ओलंपिक, और भी एक सिस्टर थी. खैर, टाइटैनिक डूब गई और डूबने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पैसा भरना पड़ा. इंश्योरेंस कंपनी से जिसको फायदा हुआ उसने World War I कर दिया. World War I से II हुआ और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो गया. अमेरिका बॉस बन गया, यूनाइटेड नेशंस बन गया. एक शिफ्ट हुआ ग्रेट ब्रिटेन से या फिर ब्रिटिश एम्पायर से US के तरफ. दैट्स कॉल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. देयर वाज टेक्निक्स टू डू इट, जो कि मैंने शॉर्ट में बताया, गूगल कर लेना या फिर मुझे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट बोल देना. बट नाउ ऑल्सो वी हैव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज कमिंग अप अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट ब्लू बीम. सन 1994 या फिर 1994 में एक कनेडियन रिपोर्टर ने अपना इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया जो कि था प्रोजेक्ट ब्लू बीम. इसके अनुसार ये था कि नासा और CIA मिलके कुछ घपला कर रहे हैं, और इस घपले में ये था कि वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट वन रिलीजन वन करेंसी बनाना है. और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब ये पब्लिश हुआ होगा तब तो नहीं हो सकता था, लेकिन अब क्या ये हो सकता है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? Project Bluebeam. If the program is successful, we won't see it coming. Borders between nations will be dissolved.
our religions will be dismantled and technology will be turned against us. हाँ, आज ये पॉसिबल है क्योंकि हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं, हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम या फिर वन गवर्नमेंट वन रिलीजन वन करेंसी आज पॉसिबल है. क्रिप्टो उठा के देख लो ना, क्यों सही बोला ना. खैर, ये पॉसिबल है क्राइसिस ऑफ फेथ या फिर आपका रिलीजन डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर माइंड कंट्रोल से. और ये तब हो सकता है जब आपके पास इंटरनेट होगा, सुपर स्पीड इंटरनेट. आपका पूरा का पूरा माइंड तो उधर ही है, निकलो कभी वहां से. इंटरनेट पे आज इतना सारा ज्ञान फ्री में बट रहा है, फिर भी हम लड़ रहे हैं कि हमारा रिलीजन पुराना है या फिर हमारा रिलीजन बड़ा है. तो रिलीजन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा ही ना, जब हम खुद लड़ेंगे. और हम नहीं लड़ेंगे तो ये हमें लड़वाएंगे. बहकला गए हैं, खलबली मच गई, बदहवासी छाई है. सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े. अब अगर हम और आप समझदार हो गए और लॉजिकल हो गए और रिलीजन के नाम पे लड़ना बंद कर देंगे, तो हम फिर भी वन रिलीजन के बेसिस पे जा रहे हैं या फिर अपने रिलीजन पे भी आ गए, तो भी अपने रिलीजन का फेथ खो सकते हैं. क्योंकि इतने सारे अर्थक्वेक हो रहे हैं, सुनामी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो भगवान है या नहीं हम क्वेश्चन मार्क जरूर करेंगे किसी न किसी दिन. और ये अर्थक्वेक कौन लेकर आ रहा है, ये हार्प क्या चीज़ है, कोई ये भी बता दे, या फिर प्रोजेक्ट ब्लू बीम ही है ये. तो भगवान से भरोसा उठेगा या नहीं उठेगा, ये भी एक क्वेश्चन. भगवान से याद आया, हमारा नया भगवान आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सब जानता है. भाई, आप अगर धीरे से भी अपने दोस्त को बोल रहे होगे कि हमारे पिछवाड़े में खुजली हो रही है, दोस्त भी सुनेगा, एलेक्सा भी सुनेगी, आपका फोन भी सुनेगा, और तो और पूरा दुनिया भर का डॉक्टर सुनेगा. आपको लगेगा फोन करने की भैया आइल्स का ऑपरेशन करवाना है क्या. सब जानता है ये AI. आपकी नौकरियां भी खाने वाला है, सुने हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, डरो मत. लेकिन AI है नया भगवान या फिर प्रोजेक्ट ब्लू बीम. आंखी आंख, ये धरती पे भी सब भड़वे. इंडिया में हमने एलियन के नाम पे सिर्फ जादू को देखा है आज तक, लेकिन पूरी दुनिया में स्पेसशिप्स और UFOs स्पॉट होते रहते हैं आजकल, और तो और नासा भी स्पॉट करते रहती है, पकड़ती किसी को नहीं. यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि इन्वेजन भी होने वाला है, या फिर ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम का एक और हिस्सा है. जी हाँ, शायद इन्वेजन करवा दो या फिर कहीं स्पॉट करवा दो, फेक मून और फेक सन बना दो, फेक स्पेसशिप भी बना दो और इनको डरा दो. Serge Benass said the fourth step in Project Bluebeam would be what he called a universal supernatural manifestation with electronic means. In other words, a false flag attack. One is to make mankind believe that an alien invasion is about to occur at every major city on Earth, in order to provoke each major nation to use its nuclear weapons in order to strike back. According to Project Bluebeam, this quickening of events is all intentional. It started with movies like 2001 A Space Odyssey and Independence Day, and television shows like Star Trek. These were to get the public used to the idea that it was just a matter of time before science fiction became science fact. A few decades later, military jets are firing missiles at UFOs, and the news is reporting on it. It would seem that the next logical step is for the UFOs to start firing back. Now, obviously, there's no military on Earth that can defeat such advanced technology. So they'll deploy the most destructive weapons they have, nuclear weapons. In the aftermath, the architects of Project Bluebeam will reveal that the alien attack was staged. Then after watching their cities burn, the people of Earth will be outraged and demand that all countries disarm, all according to plan. Again, when Project Bluebeam is implemented, the world's population won't resist the New World Order. They'll demand it for their own protection. And by the time they realize what they've done, it'll be too late. अब लग रहा है ना पॉसिबल है प्रोजेक्ट ब्लू बीम. टेक्नोलॉजी नया भगवान बनेगा, नया गॉड बनेगा, जो कि आपके मुंह पे बोलेगा, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम. हम जिस एरा में रहते हैं, हमें लगता है कि वो सबसे डेवलप्ड एरा है, लेकिन आज भी जोशी मठ टूट के गिर रहा है क्योंकि वहां डेवलपमेंट पास में हो रहा है. तो ये मुझे समझा दो कि डेवलपमेंट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है. आज का मुंबई हर साल फ्लड में डूब रहा होता है, और पास में ही द्वारका डूबा हुआ है, जो कि कितने ही साल पहले डूबा है. हो सकता है मुंबई भी कल को डूब जाए. I am under the water. Please help me. Here too much raining. हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं कि हमारे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, बड़े बड़े स्टैचूज बन रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान बन रहे हैं, लेकिन ब्रिजेस गिर रहे हैं, रोड में गड्ढे आज भी हैं. मतलब डेवलपमेंट है या डिस्ट्रक्शन है भाई.
हाँ, हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम चांद और मार्स तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन समंदर के अंदर का रहस्य आज तक हमें समझ में नहीं आया है। और रहस्य छोड़ो, उसे तो हम अलग गंदा किए पड़े हैं, डिस्ट्रक्शन तो वहां भी है। हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज थोक के भाव में कार्बन डाइऑक्साइड फेंके जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, ऑक्सीजन का भार में जाए। ऑक्सीजन आज हमें इतना कम मिल रहा है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो चुकी है, और कितने ही साल पहले जाइंट्स हुआ करते थे भाई, इतना ऑक्सीजन मिलता था उन लोगों की, मतलब पूरा हॉस्ट पुष्ट जाइंट्स 9 feet टॉल। डेवलपमेंट के नाम पे आज हमारे पास एक से एक डिवाइस है, सब डिवाइस स्मार्ट है, 5G भी है, 6G भी कुछ दिन में आने वाला है। हाँ, इतना ये लोग पेलम पेल किए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ और रेडिएशन के साथ कि हमारा भी पेलम पेल जरूर होने वाला है। ये डिस्ट्रक्शन ही है, बता दे रहे। तो यही सारी बातें थी जिसपे मैं बात करना चाहता था इस एपिसोड में, डेवलपमेंट या डिस्ट्रक्शन। अरे भाई, हम इतना डेवलप करेंगे तो किसी दिन डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, जैसे पिछले वाले हुए थे, रीसेट रीबूट, अब क्या पता। लेकिन अभी भी कौन मॉनिटर कर रहा है इस डेवलपमेंट को, या फिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमें सिर्फ फेक दिखाया जा रहा है सब कुछ। अब ये तो भाई आगे वाले सालों में पता चलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए द वीकली विद चौबे जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, take care, like, share and subscribe. Dil ka phasana kar dil mein, dil ko pukara. लो मैं आया। नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। ऑलराइट, तो बाय फार अभी तक का लाइफ हमारा जो धरती का बाहर का क्रस्ट है वो अंदर के मॉल्टेन जो से खोर के अंदर कौन रह रहा है, ये वैज्ञानिक लोग हाथ फैला फैला के जैसे कि अभी हम जिंदा हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे चूतिया हैं, सबसे चालाक हैं। यहाँ तक बात है कि रिपोर्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। ज़्यादा हाइपर हो गए हम। खैर, हमारा रिपोर्ट आज के लिए इतना ही। हमारा कैमरामैन चौबे टीवी क्या खैर नहीं बोलना था, खैर में हमको, हम खैर में घुस गए कि कश्ती में फिर भी अतना अतना पैसा लेके फिर भी स्पेस में उड़ाता है वो जानवर का ये मार की आंखें से पहले ज्ञान देते हैं। और हम लेकर आ गए हैं डेवलपमेंट के हिसाब से मून लैंडिंग इज अ बिग अचीवमेंट। मार्स डेवलपमेंट के हिसाब से मून लैंडिंग इज अ बिग अचीवमेंट, मार्स तक पहुंचना इज अ मच मोर बिग अचीवमेंट। डेवलपमेंट के हिसाब से मूर्स पास्ट में भी लोगों को पता था कि अर्थ इज राउंड, आज भी पता है, लेकिन ये साइंस ने क्या दिया। कबड़ा कबड़ा कहें, वाई आर यू एंग्री, यू वॉन्ट टू फेस द कैमरा, से हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ये हेलो था इनका, चाइनीज लैंड करो, देखो चाइनीज लैंड को, लुक एट दिस चाइनीज लैंड, चलिए आपका हो गया अभी भी लोग मान रहे हैं कि धरती फ्लैट है, ऐसे लोग हैं। देयर आर पीपल हू थिंक मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल इंटर डायमेंशनल ट्रैवल था। कट, थोड़ा गया। आप वेदर फोरकास्ट ले लो ना, इनका रिपोर्ट हमेशा गलत ही रहता है। इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक आ गए, बड़े बड़े सन 19 प्रोजेक्ट ब्लूबीम के नाम से था, और उसमें एक ऐसा एजेंडा था जो कि अब पढ़ देगा।
सन 1994 या फिर 1994 में कनेडियन इन्वेस्टिगेटिव 1994 में एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सन 1994 सन 1994 या फिर 1994 में एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने अपना इन्वेस्टिगेशन अप दिया। बहुत सारे यूएफओ स्पॉट होते आ रहे हैं और आजकल तो बहुत ज्यादा कोविड के चलते बहुत लोग मारा गया बहुत सारे एलियन पहुंच गए इधर। वेवलेंथ का पूरा